गाइस क्रिसमस है और अभी बर्फ तो जरूर पड़ने वाली, तो बर्फ कैसे आएगा देखिए। आए आए ये बर्फ आ रहा है। दिसंबर और कल है क्रिसमस, तो क्रिसमस रिलेटेड जो भी डेकोरेशन है वो आज हम लोग करने वाले हैं। और कल जो है हम लोगों ने शॉपिंग पूरा कर लिया है, उसका भी मैंने ब्लॉग मेरे चैनल में दिया है, अगर आप लोग अभी तक चेक नहीं किए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में दे दूंगी, तो वहां पे जाके जरूर चेक कर लेना। तो आज मैं 2-3 बच्चा पार्टी को भी बुलाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो क्रिसमस डेकोरेशन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे तो आता है क्योंकि मेरे मन मैंने अंदर से मैं बच्ची ही हूँ अभी भी, तो उन लोगों के साथ भी मैं ये पूरा जो फन है वो एंजॉय करने वाली हूँ। किसी भी कारण से मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो आने वाला हो आप लोगों के पास जल्द से जल्दी आ जाए। तो चलिए गाइस फादर एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लंच हम लोगों का हो चुका है और अभी बनाने जा रही हूँ मैं क्रिसमस केक। तो क्रिसमस केक बनाने से पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ यहाँ का क्या अरेंजमेंट है। यहाँ पे मैंने ये टेबल जो है रख दिया है, उसके ऊपर ये ट्री, अभी पूरा खोले नहीं है, जब डेकोरेशन करेंगे तभी खोलेंगे। और ये एक वाइट चद्दर जिसके एकदम नीचे अच्छे से बिछाएंगे, और टूनी लाइट और सारी जो डेकोरेशन वो रहा ये पूरा डेकोरेशन, इसके अंदर सब कुछ है। तो चलिए किचन के तरफ। तो किचन में मैं अभी जो है पूरा केक का जो है सब कुछ रेडी करके रखा है, तो पूरा रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करने वाली, नहीं तो पूरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या क्या कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ वो आप लोगों को बता देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तो चलिए देख लीजिए। तो ये रहा मेरा सारा प्रिपरेशन, और थोड़ा बहुत चीज़ रखना भी बाकी है। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदे से ही जो है मेरा केक बनाने वाली हूँ, और ये मैंने ये टीन जो है कल न्यू मार्केट से मैंने लिया था, तो देखने में अच्छा लगा, तो इसी के ऊपर मैं जो क्रिसमस केक बनाने वाली हूँ। और बच्चे लोगों के लिए मैंने ये लिया है कप केक बनाने के लिए कप्स, और बाकी से थोड़ा मोर वैनिला एसेंस। और ये वाला फ्रूट्स जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब केक में ज़्यादा कुछ रहना मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही चीज़ दे रही हूँ। काजू पसंद है लेकिन काजू घर में नहीं है, लाना भी भूल गई मैं। और थोड़ा सा ये फ्रूट मैं अलग करके रख दिया है ताकि ज़्यादा मैं ना डाल दूँ। और थोड़ा सा बटर लिया है, और 2 बर्तन, और थोड़ा बहुत चीज़ भी लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Wow.
এটা কি করছিস টুটপি একদম সাফ হ্যাঁ এটা টুটপি জগাচ্ছিস কেন তাহলে ভিতরটা বোঝা যাবে যে ভিতরটা সিরিয়াস একদম तो अभी टूथपिक लगा के देखती हुआ है कि नहीं तो देखिए एकदम साफ हो गया है तो मतलब हो गया है तो गैस बंद कर देती हूँ। केक जो है मैं अभी नहीं काट रही हूँ इसे मैं ऐसे इट इज इसे अभी थोड़ा रिवन रिवन देकर अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ पे जाऊँगी अभी सजाने सब आने ही वाले होंगे तो उसके बाद इसे रात को जो है हम लोग काटेंगे। अभी इस केक को पैकिंग किया जा रहा है एकदम टिपिकल क्रिसमस केक जैसे दिखने के लिए तो भाई ये सब कर रहा है और ये तो ऐसे ही रहेगा तो बच्चे आएंगे तो उनको देंगे। परफेक्ट तो ये रेडी हो गया क्रिसमस ये भी रेडी हो गया तो चले अभी नहीं चालू करो ओ हाँ रिबन देना भी बाकी है। पार्टी आ चुके हैं ये रहा हाय करो सब टोपी पहन के रेडी है और यहाँ पे ये रहा हाय बोलो सब और ये भी सब रेडी हो चुका है और इसे तो आप देख ही चुके हो पहले ये पुरानी फेस है और मम्मी भी रेडी है भैया भी रेडी है अभी सिर्फ रेडी करना है ये वाला ट्री। पहले तो हमें ये ट्री का जो पैकेट वे खोलना होगा तो गाइस अभी जोरों शोरों से अभी क्रिसमस का जो है डेकोरेशन चल रहा है सब टोपी पहन के एकदम डेकोरेशन में लग गए और यहाँ पे मैं सिर्फ कमेंट्री करूंगी तो ट्री को लगाने से पहले हम लोग ऐसे एक व्हाइट बेस दे रहे हैं तो बेस देना हो गया है পুচু বলো মেরি ক্রিসমাস দুজনে यहाँ पे है ये बॉल्स ये कैंडीज हाँ कैंडीज छोटकू सेंटा हाँ ये छोटकू सेंटा और ये डंडा ना ओ है अच्छा একটু হ্যাঁ একটু একটু ছড়িয়ে দে তাহলে গাটা এটা বোঝা যাবে হ্যাঁ तो अभी इसके ऊपर माइन्यूट काम चल रहा है। ओ गाइस क्रिसमस है और अभी बर्फ तो जरूर पड़ने वाली तो बर्फ कैसे आएगा देखिए आए ये बर्फ आ रहा है
এটা অ্যাকচুয়ালি এরম থাকে না, উল্টো থাকে না। না না এরম ঝুলবে। ওই দেখি না বাকিগুলো লাগিয়ে নে। পুজোর হাতে দে উপরে অনেক হয়ে যাচ্ছে, নিচে লাগা, নিচে লাগা, নিচে উপরে স্টার আছে তো উপরে বেশি লাগবে না, তুই নিচে নিজে খুঁজে খুঁজে বার করে লাগা। এই যে দেখ সুতপা, একটু দেখো মাঝখানের দিকে ফাঁকা আছে এই জায়গাটা, দেখো তুমি পাচ্ছ কি, এই যে দেখো এই দেখছো এই তো এখানে লাগাও একটা। হ্যাঁ ভেরি গুড। বাহ সবাই ভালো করে কাজ করেছো, ভেরি গুড, ভেরি গুড। মোবাইল চার্জ নেই তো বন্ধ হয়ে গেছে, তো আবি স্নো তৈরি হো রা আবি সব হাত সে ছোট ছোট কর রে তাকে একদম আচ্ছা ওলা স্নো কা ফিল দিয়া যায়। তো আবি ব্রেক খতম হয়ে যায় ফির বাকি ডেকোরেশন চালু রয়ে। তো আবি লাইট ফাইট সব লাগানা চল রহা হ্যায়, হাম লাগা রহা হ্যায়, হাম লাগা রহা হ্যায়। ওইদিকে দৌড়, হ্যাঁ দেখে দূর দিয়ে, দূর দিয়ে ফেল, নাইস। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोगों का जो ट्री है सजाना हो चुका है, अभी जो है स्नोफॉल, हाँ स्नोफॉल होने वाला है। तो स्नोफॉल कैसे होगा वो आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। तो गाइस ये रहा कॉटन और स्नोफॉल कैसे होता है, रफली होता है तो ऐसे ही, ऐसे ही छोटी छोटी दे, हाँ सुंदर करे है। ओह वाह, तो ये जो है हाँ, तो ये पकड़ लेगा ট্রি কে উপর স্নোফল হো চুকা হ্যা। হ্যাঁ স্নোফল কে বাদ ইয়ে বহুত হি প্যারা লাগ রহা হ্যায়, রাইট? কেসা কেসা লাগ রহা হ্যায় রিভিউ বলো, ইয়া পে, ইয়া পে দেখ কে বলো। আর ইয়া পে মূর্তি স্থাপনা হো চুকি, সেন্টার পায়ের কাছে, পায়ের কাছে।
रही है, दोनों चले जा रही है क्योंकि अभी खाने के लिए सब बुला रहे हैं। और तो चलो बाय बाय कर देते हैं, और उसके पहले जो कुकीज वुकीज सब बनाए उसको उन लोगों को दे देते हैं, उसके बाद वो रहेगी और बाकी जो छोटा छोटा बहुत जो डेकोरेशन है वो हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद 12 बजे होगा, अरे टोपी खोल लिया उसके बाद मेरी क्रिसमस চলো চলো বাড়ি ছেড়ে আসি চলো। कैसा लगा? दो दो कपकेक तो दे कपकेक हाँ दूध दूध টেস্ট করে দেখ। এইটা না না আমার কোনো ব্যাপার না, স্পুন নিয়েছিস? হ্যাঁ না ওই কেকটা আমি এর আগেও খেয়েছি। এই কেকটা একটু টেস্ট করে দেখ, এটা অন্যরকম। বাবু কে একটু দে, এই কেকটাই হচ্ছে ওইটার বড়টা। सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन गुड नाइट, गुड बाय एंड मैरी क्रिसमस।